देखे से रियो क्या मिल रहा है मेरे को। ये यहाँ से निकला नहीं मामा जी आ गए भैया। और ये रही मामा जी जो पहली बार आ रही है। हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। तो आज नाश्ते में बने हैं दाल के पराठे जिसको मैंने तिकोना शेप दे दिया है और कसम मुझे बिल्कुल नहीं खाने दे रही। इन्होंने खा लिया और ये काशी का नाश्ता है। ये नाश्ता में काशी की चाय हमेशा चाय मांगती है पीती नहीं है ऐसी वेस्ट होती है। शंभू अभी देखना दोबारा आ जाएगी। शंभू की आदत ऐसी है कुछ भी रखा हुआ खाना उसको प्लेट चाहिए ऐसे खींचेगी उसे ऐसे खींचेगी। अभी देखो उसको अलग से प्लेट दी है अब उसको छोड़ दो मेरी पास आएगी देखना। काशी के अंदर ये आदत नहीं थी जब छोटी थी कभी उसके सामने तुम 36 पकवान भी रख दोगे तब भी नहीं छेड़ती थी। और शंभू के अंदर ये है कि एक प्लेट भी देखेगी भागते हुए आएगी वहां से हाथ डाल देगी उसमें। तो कल हो रहा था बच्चों की अलमारी का काम कि उनके कौन से कपड़े हैं जो पहनाने हैं और आज हुआ है सीमा के और मेरी अलमारी का। तो एक ना फोटो निकली है। फोटो क्या निकली है कि मतलब पहले की फोटो है। जरा प्रकाश डाला जाए फोटो पे। तो ये बोल रही है मैं पूछ कासू ये कौन है मामो तसु तो क्या कह रही है ये कौन है ये कौन है ये कौन है कौन है ये कौन है कौन है कासू कौन है पापा कौन है कौन है पापा बच्चा। और ये कौन है ये कौन है चाचू चाचू हाँ दोनों जुड़वा थे ये पहले अब जाके थोड़ी शक्ल में डिफरेंस आया है पर पहले तो एक जैसे लगते थे। वैसे हमें तो तभी भी पता चल जाता है पर बाहर के लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल मतलब एक सामान लेके जाएगा तो बोलिए भैया आप कल आए तो थे सामान लेने के लिए मतलब इतना उनको मतलब सिमिलर लगता है फेस। मुझे तो इतना नहीं लगता आप पता ना आपको भी इतना सिमिलर लगता है क्या क्योंकि पता नहीं यार मैं क्या कहूँ इस चीज में पर हाँ पहले काफी जैसे फोटो देखते थे ना तो थोड़ी बहुत लगती थी। अरे यार जो अगर देखेगा ना हमका पहली बार दूसरी बार या तो उसको लगेगा कि हाँ काफी फेस जो है एक जैसा है। तो आज फोटोज निकाली है मतलब सब पैक थे बबल रैप में। ये कौन है बाबू जरा ये कौन है ये कौन है बोलो कौन है नानी है नानी नानी बूढ़ नानी नानी बोलो बूढ़ नानी बूढ़ नानी हाँ। और ये कौन है ये तो पहचान लेगा तू दादू अरे दादी अरे वाह। और ये कौन है ये सासी क्योंकि जब मैं 12th क्लास में था जब मैं तब की फोटो है। अच्छा 12th क्लास में थे तुम 18 साल की जवानी को सलाम बाद में सलाम करना क्यों काम कर लेते थोड़ा सलाम ही करते रहना तुम अपनी जवानी हो। सो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 3:20 5 मिनट आ गए घड़ी 10 मिनट आ गए तो 3:00 कितना हो गया 3:15 हाँ। और मैं गया हुआ था विशाल और आते ही देखा कि यहाँ पे सोफे के नए कवर लग गए हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया फिलहाल तो अभी तो विशाल से कुछ लेकर आया हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी तो दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी सब जो हैं ऊपर गए हैं खाना खाने के लिए तो मैं भी चलता हूँ और अभी रखता हूँ इसको अंदर चलता हूँ ऊपर और आपको भी दिखाता हूँ क्या बना हुआ है खाने में आज। पद्मावती खाना खाने लग गई समूह भी खा रहे खाना देखना उसको मुंह देखो ना अच्छा तुम मुंह बना रहे हो ना देखा आ गए हैं दोस्तों ऊपर से खाना खा के अब देख लेते हैं सीमा अंदर क्या कर रही है। मैं ना ब्लाउज रेडी कर रही हूँ क्योंकि ना ये वाली साड़ी हमने फाइनल की है ना तो इसका ब्लाउज बहुत पहले के टाइम का है तुम्हें याद है तब ली थी मैंने जब हमारी नई नई शादी हुई थी उसके बाद करी था ये शादी हो गई थी बल्कि तुमने ये जो पहनी थी साड़ी तुमने कविता की शादी में ही पहनी थी उसके बाद कभी पहनी ही नहीं मौका ही नहीं लगा मौका क्या लगा मेरे को बहुत हैवी लगती है ये बहुत भारी है इतनी स्टोन वाली साड़ी लेनी मुझे तो समझ नहीं आया उस टाइम ने ली क्यों ये और कविता भी गई हुई थी जिसकी शादी है दोनों के दोनों बैठ रखे थे लगा लगा के देख रखे हाँ ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मेरे पता नहीं क्या अजी लग रही होगी मेरे चल ले लेते ले ली फिर मैंने ये साड़ी बहुत अच्छी है वाली अब आप लोग देखना और मैंने ये साड़ी क्या है सीमा की प्रेस भी करवा दी है। हाँ इन्होंने प्रेस करवा के लाया अभी तो ब्लाउज उसने उसमें से निकाला और बोला कि तू मेरे पे टाइट आएगा तो ढीला कर रही है अभी खुद से। हाँ टाइट आएगा तो जरा जरा सा खोल रही हूँ इसको ये भी जरा जरा सा वो घुटन वाले कपड़े वैसे फिट तो आ रहा है वो घुटन उस टाइम ढीला आ रहा था मेरे पे जब भी सिला था कोई भी कपड़े सिलाओ ना थोड़े थोड़े ढीले होते ही थे और इस टाइम हो रहा वो टाइट मैंने कहा यार थोड़ा सा कर देती हूँ उसे ढीला ढीला। तो बाकी साड़ी कौन सी है वो तो फिर आपको मालूम चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाबू मैंने पहले ही देख ली, पहले ही देख ली मैंने। क्या है ये? चद्दर। कवर बोलते बाबू, कवर। हाँ न्यू कवर। चल ठीक है, तेरे लिए कुछ लेके आ रहा हूँ, रुक जा अभी। उसने पहले अपने आगे बंद करके रखी हुई है। मेरा बच्चा ले 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 ले, ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, छोटा ही है, ये तेरा है। चलो शंभू का, ये शंभू का है, वो तेरा है। ठीक है, अब जो आपकी ड्रेस है ना उसमें वो पहनना। ठीक है, काशी को तो पिंक मिले। ठीक है, एक दिन आप वो पहनना, और जिस दिन तू वो पहनेगा येलो ड्रेस, उस दिन उसके नीचे वाला पहनियो व्हाइट वाला। सही है सीमा? बढ़िया बढ़िया। तुमको चाहिए सॉक्स? मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कर रहा ना, वही बहुत है। ये लो तुम्हारे लिए, देखो ये पापड़, मेहमान आएंगे तो पापड़ खिलाना सबको। और मैं अपने लिए लाया हूँ ब्लैक ब्लैक पुलोवर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा है तूने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है अच्छा। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है 6:15 और हो गया है टाइम चाय पीने का। शंभू भी उठ गई है, बच्चे काफी तो सोई नहीं आज। सोई क्यों नहीं? क्योंकि घर में चल रहा है ड्रिल का काम। ड्रिल का काम इसलिए क्योंकि जैसे शीशा लगवाना था, शीशा लग गया, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और लैंप लग गया, दिखाई देते चलो आपको। तो ये शीशा लग गया यहाँ पे जिसकी कमी थी। ठीक है, और अंदर लग गई है फोटो, ये देखो सामने फोटो लग गई है। और बाहर अभी जो है वो ड्रिल करवा रहे हैं। हाँ, और एक सबसे जो मेन बात है वो ये कि मामा जी आ रहे हैं मेरे, जो कि आपने हमारे पहले ब्लॉग में देखे भी हैं। और उससे भी खास बात ये है, कहाँ से कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मासु बाबा जी। नहीं नहीं आप क्या बोलोगे? मैं बाबा जी। मामा जी, ठुल्ला जी, दादा जी। ठुल्ला जी, ठुल्ली जी। मामी क्या है कि फर्स्ट टाइम आ रही है यहाँ पे हमारे पास में, क्योंकि भाई ये गांव में सब गाय होती है, बकरी होती है, तो छोड़ नहीं पाती है मामी जी, तो पहली बार आ रही है। और नन्नू के मुंडन में आ रही है, तो दिखा, जब आएंगी तो मिलाएंगे आपको और दिखाएंगे आपको। फिलहाल चाय पीते हैं और करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। तो मामा जी का आ गया है फोन, और मामा जी बोल रहे हैं मैं पहुंच गया हूं, बस पहुंचने वाला हूं, तो बस मामा जी को लेकर आते हैं और मिलाते हैं आप सभी से। मामा जी को लेकर आ गया हूं, और देखो ऊपर सीमा वेट कर रही है, बच्चे भी हैं साथ में। चलो चलो आ जाओ। मामा जी आ गए भैया, और ये रही मामा जी जो पहली बार आ रही है। सब किसके लगी हुई थी? अरे ये लगी थी मम्मी का, तेरे पास है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं दे चुकी हूँ। ये भी दे दूँ मैं, बता दूँ आप शर्त हार गए मम्मी। शर्त हार गए आप, 2000 रुपए की शर्त हार गए आप। वो मान ही नहीं सकते। ये यहाँ से निकले अलमारी से। अरे अलमारी नहीं 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 अलमारी से निकले आप। कॉन्फिडेंस में काम, मम्मी का मैं तेरे को 1000 दूंगी। मैंने कहा मम्मी 2000 दोगी? हजार रुपए चले गए, 1000 से 2000 बोलो सर, मैं 2000 दूंगी। बोगो नीचे उल्टी आ रही है, लेट रखे नीचे। अरे वाह, आराम से आ जाएगा। अच्छा तेरे को पार्टी में पहनने के लिए हो गया तेरे लिए। इतना अच्छा चलाने लग गई ना, ये देखो मेरा दाग लग गया उसे। मेरा थोला भी लोरा, जल्दी चलने लगेगा ये।
मेरा थोला बिलोरा, मेरा थोला बिलोरा आ गया आ गया आ गया। चलो 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 चलो, मैंने बोला था मुझे कमरा साफ करना था ना, ये साफ हो चुका है ये कमरा। ये देखो दोस्तों, अभी हमने लाइट लगवाई यहाँ पे, इनका सबसे अच्छा है तो उसके पर काम करेंगे तो अच्छा। ये शनि मंगल वाले, मंगल बहुत अच्छा। बस दोस्तों, अभी टाइम हो गया खाना खाने का और मैं दिखा देता हूँ आपको कि खाने में क्या बना है। बड़ा भैया बड़ा दिखाती मेरे को जब मैं बात कर रहा होता हूँ। तो बोलते ना सनी, आपका सनी ऐसा है, आपका मंगल ऐसा है। मेरा मंगल ना कैमरा ही तुम्हारे मंगल करते हैं ना ये आजकल तो। तो दोस्त ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, मुझे भी बता रहे होते ना तो मेरे भी जिज्ञासा होती है कि मेरी कुंडली क्यों नहीं बताते, मुझे भी बताओ। अपनी कुंडली की बात कर रही है ये, जब हमारी शादी हुई थी ना, मतलब जब हमारी बात चल रही थी एंगेजमेंट के बाद में, तो मैंने इसको हर एक चीज का, इसको हर एक हाउस का, मतलब फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस और सूर्य से लेके मतलब पूरा चंद्र राशि तक सब बताया था उसको कि ऐसा ऐसा है, सब कुछ कैसा है। हाँ कि ऐसा है वैसा है, और ये बोलती थी हाँ यार तुम्हें इतना, तुम्हें तुम्हें इतना सब कुछ मालूम है। मुझे नहीं होता था कि इतना ज्यादा मतलब प्लैनेट्स देख के पता चल जाता है। तो हाँ भाई, क्या बन रहा है फिर? तो आज खाने में बन रहा है मशरूम, मटर मशरूम, मटर मशरूम, दाल और रोटी। रोटी चलो, तो अभी खाना बन ही रहा था कि इसी बीच आ गई है गांव की मूली। मूली पापा, मूली की खिचड़ी बनाना कल पार्टी वाले दिन। तो ये आई है दोस्तों गांव की मूली, अच्छी लग रही है यार, मतलब गांव की ना खुशबू आ रही है इसमें, सही बताऊं तुम्हें। देखो मामा के यहाँ मतलब लंबी वाली मूली लगती है। वैसे बेसिकली जो मुझे लगता है कि गांव में गोल मूली होती है वो उनके मूली। सासू जी बोल रही थी कि मटर बड़े अच्छे बन रहे हैं, है ना, मटर मशरूम की बेइज्जती कर दी, मटर मशरूम भी तो था, मशरूम बहुत ज्यादा था, पनीर तो इतना अच्छा भी नहीं लगता है वो, ये सही है। मटर मशरूम ज्यादा अच्छे होते हैं, सही है। मम्मी बोल रही कि मुझे खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक लैंप तो ये लगाया था सामने और एक मिरर ये लगाया था, ये रह गया था दिखाना, और एक बाहर भी लगा रखा है वो आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि ठंडी इतनी हो गई है, तूफान जा रही है भाई। अच्छा एक और ले आई थी मैं, ये देखो ये सही है, देखो तो ठंड तो नहीं लग रही। ना ना नहीं लग रही, नहीं हमारे पास तो है चाची मामी, ये आपको है क्या? हाँ, यहाँ पे चल रही है सोने की तैयारियां और ठंड इतनी ज्यादा हो गई है, तो रजाइयां चल रही है अभी कि रजाइयां कौन सी किसको लेनी है। चलिए बस दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक स्पेशल ब्लॉग में। आज मामा और मामी जी ने आकर एक जो माहौल है वो बना दिया है, अब बाकी सारे मेहमान कल से जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो दिखाते हैं आपको वो कल वाले ब्लॉग में, कल का स्पेशल ब्लॉग रहेगा। तो मिलते हैं आपसे उस ब्लॉग में जल्दी ही, टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें। जान रही पापा क्या बोलने वाले हैं, स्वस्थ रहे। हाँ हाँ, बाय बाय। हाँ? संभो चलो।